दतिया प्रभारी जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी डीएस धाकड़े ने मीडिया के सामने खाद्यान्न भंडार संचालकों विक्रेताओं पर खो रही एफआईआर के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार हमारे खाद्य अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में जो धान समर्थन मूल्य पर अनुचित लाभ लेने के लिए विक्रय करने का प्रयास किया गया था, उसके संबंध में कार्रवाई की गई, जिसमें एक एफआईआर में 3 आरोपियों और 3 ट्रक जब्त किए गए और दूसरी एफआईआर इंदरगढ़ में हुई, उसमें 2 ट्रक जब्त किए गए। उनको 2 प्रकरण निर्धारित किए गए हैं और उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब पात्र उपभोक्ताओं को शासन के निर्देश अनुसार सामग्री वितरण करने के लिए सतर्क निरीक्षण किया जा रहा है, जिनमें अनियमितताएं पाई गई हैं, अभी एफआईआर दर्ज हुई है। ये कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार हमारे खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण किया जा रहा है, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में जो धान समर्थन मूल्य पर अनुचित लाभ लेने के लिए विक्रय करने का प्रयास किया गया था, उसके संबंध में कार्रवाई की गई। उसमें एफआईआर इंद्रगढ़ में दर्ज हुई, जिसमें एक एफआईआर हुई, 3 आरोपी हुए, 3 ट्रक जब्त किए गए और दूसरी एफआईआर भी इंद्रगढ़ में हुई, उसमें 2 ट्रक जब्त किए गए, उनके 2 प्रकरण निर्धारित किए गए हैं और उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। दूसरा, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब पात्र उपभोक्ताओं को शासन के निर्देशानुसार सामग्री वितरण करने के लिए और सतत निरीक्षण किया जा रहा है, जिनमें अनियमितता पाई गई है। अभी एफआईआर दर्ज हुई है कल ये उन्नाव थाने में और उचित मूल्य दुकान थी वो गुजर रहा, उस उचित मूल्य दुकान पर विक्रेता द्वारा और प्रबंधक द्वारा गेहूं वितरण में अनियमितता की गई थी, तो उस पर कलेक्टर महोदय ने बड़ी गंभीरता से लिया है और उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। दूसरा प्रकरण अभी हाल ही में आज एफआईआर दर्ज कराई गई है दूसरा थाने में, बसवा उचित मूल्य दुकान है, उस पर भी माह नवंबर में जो गेहूं वितरण किया गया था उसमें गंभीर अनियमितताएं की गई थी, पात्र उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उस अनियमितता के कारण कलेक्टर महोदय द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया, उसकी भी आज अभियोजन की कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर महोदय प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समर्थन मूल्य उस पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कलेक्टर महोदय बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर आगे कार्रवाई कलेक्टर महोदय द्वारा इसी प्रकार की जाएगी, ये इनके सख्त निर्देश हैं, तो दतिया जिले में बहुत अच्छा कार्य होगा, ये मेरा विश्वास है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229।